वेलकम बैक गाइज माई चैनल इंशाल्लाह मोटर्स। गाइज आज आपके सामने मैं लाया हूँ एक और ई वेरियंट गाड़ी। आई है मेरे पास साउथ कश्मीर से, आई है मेरे पास ये गाड़ी। पूरा कुछ भी नहीं इसने करके था, पूरी बेस वेरियंट थी ई वेरियंट। तो इसमें हमने आज बहुत सारी चीज़ें की है। एक इसमें न्यू किया आज, इसमें हमने क्रूज़ कंट्रोल फिट किया है। तो दिखाते हैं आपको भी वो, इसमें मैंने सारा वो वीडियो आपको वो सारा दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे इसमें वर्क करता है वो सारा। कपल टू कपल इसमें क्रूज़ कंट्रोल हमने फिट किया है। अभी तक ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरे जे&के में अभी किसी ने वो क्रूज़ कंट्रोल फिट नहीं किया क्रेटा में। पहली गाड़ी है जिसमें हमने आफ्टर मार्केट का जो ये क्रूज़ कंट्रोल हुंडई जेन्युइन का ही है तो हमने वो फिट कर दिया है। हुंडई जेन्युइन वायर के साथ ही प्रॉपर वर्क करता है वो, आपको सारा कुछ दिखाता है इसमें। तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हमने इसमें ये जो टॉप वेरिएंट की जो ग्रिल आती है आप देख सकते हैं कितना इसमें लुक आया है ज़बरदस्त। टॉप वेरिएंट का जो आता है सेम वैसा ही है। तो ये ग्रिल मैंने चेंज की है, तो आप देख सकते हैं। एक और नई चीज़ मैंने इंस्टॉल की इसमें आज, जो ABS गार्ड आया है ग्लॉस ब्लैक आया है। तो लगता नहीं ये आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है, तो क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी ये ग्लॉस ब्लैक की है तो इसमें आपको नहीं लगेगा कि गाड़ी में ये चीज़ लगी हुई है। तो ये नहीं आती है वहाँ से, ये हमने इसमें इंस्टॉल किया है। तो फॉग लैंप्स भी इंस्टॉल किया आप देख सकते हैं, इसमें भी नीचे LED लगाए, ऊपर हेडलाइट्स में भी LED लगाए। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आउटपुट आ रहा है इसमें। तो साइड से आपको दिखाते हैं, साइड से आप ये देख सकते हैं फुटस्टेप मैंने लगाए इसमें, बहुत ही हेवी है। अगर दो बंदे भी एक साथ इसमें चढ़ जाएंगे तो कोई इसमें कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कितना मजबूत है ये गाड़ी, एकदम हिल रही है, कुछ नहीं हो रहा इसमें। तो ये आप देख सकते हैं साइड से मैंने इसमें डोर वाइजर सिल्वर लाइन वाला ऐड किया है। रूफ रेल्स OEM पैटर्न ओरिजिनल मैंने इसमें ये भी ऐड किया है। पीछे से आपको दिखाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं पीछे भी जिसमें ABS गार्ड है, आगे तो वो कुछ लग नहीं रहा था क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ पे वो ग्लॉसी सारा है तो वो कुछ डिफिकल्ट नहीं दिख रहा था डिफरेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा डिफरेंट लग रहा है, पीछे मैट ब्लैक है, नीचे तो ऊपर एक ग्लॉसी ब्लैक का ABS गार्ड। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त डबल इसमें जो साइलेंसर शो टाइप वो आता है, ड्यूअल आता है। और एक बम्पर रिफ्लेक्स आप देख सकते हैं, एक बार रिवर्स चेकआउट करके दिखाना। तो आप देख सकते हैं रिवर्स में साइड से चलता है और इसमें पार्किंग ब्रेक भी चलती है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं बैक लुक, आप देख सकते कितना ज़बरदस्त हो गया गाड़ी का। तो आप दूसरे साइड से आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से भी आपको सेम वैसा ही मिलेगा। तो आप गाड़ी के अंदर जाते हैं, तो गाड़ी के अंदर आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसमें फुल बकेट फिट सीट कवर्स ऐड किए हैं प्रॉपर फिटिंग के साथ। और इसमें OEM स्टीरियो प्लेयर मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्रॉपर स्टीयरिंग कंट्रोल के साथ और क्रूज़ कंट्रोल के साथ। और इसमें हमने डोर डैम्पिंग की, डोर स्पीकर्स किए, और ये रूफ लाइट आप देख सकते हैं, रूफ लाइट ये भी हुंडई जेन्युइन है। इसमें वाइट लैंप LED के ऐड कर दिए, पीछे भी मैंने इसमें आप देख सकते हैं पीछे भी यहाँ से भी इसमें वाइट लैंप मैंने ऐड किया है। और यहाँ से भी प्रॉपर वर्क कर रहा है सारा, प्रॉपर कटिंग है आप देख सकते हैं, प्रॉपर काम सारा है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, भैया इससे पहले भी कहीं पे गए थे गाड़ी का काम कराने, तो भैया ने बोला उन्होंने ये चीज़ यहाँ से थोड़ी बहुत इसमें ख़राब कर दी, क्योंकि इन्होंने फिर उसको काम करने नहीं दिया। बोला मैंने आपका वीडियो तभी देखा वहीं पे, मैं YouTube चेकआउट कर रहा था तो मैंने आपका वीडियो देखा, तो मैंने उसको बोला भाई नहीं तुम बंद ही कर दो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कस्टमर की ये गाड़ी का ये शो ही ख़राब कर दिया। तो ऑलमोस्ट कस्टमर का भी मूड ख़राब होता है, गाड़ी का नई गाड़ी लेके काम साफ़ नहीं हो जाए तो ऑलमोस्ट हर एक का मूड ही ख़राब होता है। तो भैया हमारे यहाँ से पूरे सेटिस्फाइड है, आपको उनसे भी बात करके
बताता हूँ भैया हमारे काम से कितने सेटिस्फाइड है, वो कितने खुश है कि उनको उन्हें जैसा सोचा था वैसा काम उनको मिला कि नहीं मिला। तो यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये है जो हमने इसमें इन्फिनिटी के डोर कंपोनेंट्स लगाए, तो इसका ये ट्यूटर हैवी क्रॉसओवर के साथ आया है, डैम्पिंग भी की है, प्रीमियम क्वालिटी की डैम्पिंग भी की है। तो गाइज आप खुद हमें कमेंट्स में बताइए आपको हमारा काम कैसा क्या लगता है, या किसी भी बाइक को आना चाहता है हमारे पास, वो हमारे पास आ सकते हैं। आपको हमारे पास जेन्युइन हर एक चीज़ जेन्युइन मिलेगी और काम भी हर एक चीज़ बढ़िया मिलेगा आपको पूरी प्रॉपर फिटिंग के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं कैसा लगा आपको हमारा काम, और मैं न्यू जो गाड़ियाँ आती है उनमें मेरे को क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए वो आप सब मेरे को बताइए कमेंट्स में। तो आपको देखिए अब सारा वीडियो और वीडियो के मज़े लीजिए। जो कि अभी पूरे कश्मीर में पहली गाड़ी है जिसमें हमने क्रूज़ कंट्रोल आज इंस्टॉल किया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से जो स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल, या आपने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में हमारे देखा होगा, ये चीज़ अभी नहीं लगाई मैंने आज क्रूज़ कंट्रोल, जैसा कि टॉप वेरियंट में वहीं से आता है क्रूज़ कंट्रोल ऑन ऑफ जो होता है, और प्लस माइनस जो इसमें होते हैं स्पीड अप एंड डाउन होती है, और यहाँ से क्रूज़ जैसे कि हमारी गाड़ी में 35 स्पीड अबो हो जाती है, आफ्टर 35 स्पीड हमारा क्रूज़ कंट्रोल ऑन हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मीटर में भी दिखा रहा है मेरा क्रूज़ कंट्रोल ऑप्शन अभी चल रहा है गाड़ी में, जो कि पहले नहीं आता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने गाड़ी चालू की है, मैं आपको दिखाता हूँ आफ्टर जब 35 हमारी गाड़ी की स्पीड हो जाएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। ऑलमोस्ट ये आपको हाईवेज पे यूज़ होता है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत डेमो दिखाता हूँ, यहाँ पे ट्रैफिक भी है थोड़ा, ट्रैफिक जाने दो फिर मैं आपको दिखाता हूँ चेकआउट करके आफ्टर 35 स्पीड ये आपको कैसे वर्क करता है, प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं। बहुत सारे फिर लोग बोलते हैं कि भाई वर्क नहीं करता ये नहीं करता, तो कोई कुछ वायर कट नहीं है, प्रॉपर कपर हो गया है सारा, तो मैं दिखाता हूँ आपको वो सारा। आ गया गाइज थोड़ा बहुत रोड मेरे को यहाँ पे क्लियर मिल रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो चेकआउट करके मैं गाड़ी में आफ्टर 35 स्पीड हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल हो गए यहाँ पे 40 पे हो गया मेरा क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली 40 चल रही है, मैं कोई एक्सीलेटर नहीं दे रहा हूँ, 40 पे ये डन हो गया है। तो मैं यहाँ से आप भी कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो स्पीड यहाँ से बढ़ सकती है आप हो रही है, और मैं यहाँ से काम भी कर सकता हूँ इसको। तो यहाँ पे इसका ऑफ बटन भी है, तो मैंने कर लिया क्रूज़ बंद, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आप पे आ गई। फिर से मैं क्रूज़ करके आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं क्रूज़ पे अभी 36 पे चल रही है, वापस ऑफ करते हैं। गाइज एक बारी मैं आपको रिवर्स कैमरा भी इसका चेकआउट करके दिखाता हूँ, रिवर्स व्यू कितना इसमें ज़बरदस्त आ रहा है। तो आप देख सकते पूरा व्यू एकदम क्लियर आ रहा है, HD क्वालिटी है प्रॉपर। म्यूजिक सिस्टम भी इसमें बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेस आ रही है हर एक स्पीकर से। मैं आपको वो चेकआउट करके दिखाता हूँ सॉन्ग पे आप सुन सकते हैं, और अंदर की क्लैरिटी कितनी होगी म्यूजिक की वो अभी आप देख सकते हैं। बट आपको ज़रूरी है कि गाइज आपको हेडफोन्स की ज़रूरी है, हेडफोन आप ज़रूरी लगाना, तब जाके आपको प्रॉपर बीट्स हर एक चीज़ प्रॉपर मिलेगा। हेडफोन्स बहुत ज़रूरी है, जब भी आप हमारा कोई भी वीडियो देखते हो तो आप हेडफोन्स के थ्रू उसको देखा करिए, क्योंकि आपको तभी जाके जो प्रॉपर साउंड्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। एक बार आप रुको मैं आपको चेकआउट करके दिखाता हूँ इसका NCS सॉन्ग। गाड़ी का आप अंदर से साउंड सुन सकते हैं कितना ज़बरदस्त आउटपुट आ रहा है, हर एक स्पीकर प्रॉपर वर्क कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बेस आ रहा है अंदर से, मज़ा आ रहा है।
है।